क्लासेस आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले पहले क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 का 1-3 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1-3 का, आप जाके वहां से सर्च करके देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। और एक्सरसाइज 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 के भी सॉल्यूशन का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है, लिंक पे क्लिक करके। आज हम लोग नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन था हमारा 4 से, तो आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है देखते हैं, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। कहता है √9.3 को नंबर लाइन पे शो करने। इससे पहले वाली क्लास में हमने 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था, √2 था, √5 था, इस तरह के नंबर लाइन को शो करना था। वहाँ पॉइंट में नहीं था, रूट में था, लेकिन वहाँ पॉइंट में नहीं था, ठीक है। आज हम लोग रूट में है, रूट में है, साथ में क्या पॉइंट में भी, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। यहाँ कुछ स्टेप दिया हुआ है, इस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। 9.3 कह रहा है √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप हमारा है ड्राई लाइन 9.3 सेंटीमीटर एंड एड 1 सेंटीमीटर। एक लाइन हमको ड्राई करना 9.3 सेंटीमीटर का, और उसमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर हमको एड करना है। तो हम एक लाइन ड्राई कर लेते हैं 9.3 सेंटीमीटर का। हमारे पास तो स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से मेजरमेंट करके कीजिएगा, हम आप लोग अंदाज बता देते, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करना, सबसे पहले ये जीरो मान लेते हैं यहाँ से, सपोज यहाँ तक मान लेते हैं क्या है 9.3 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारा स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो हमारा कितना आता है 9.3 सेंटीमीटर, या आप लोग मान लीजिएगा स्केल से, ठीक है। तो हमारे पास तो यहाँ स्केल है नहीं, हम अंदाज बता रहे हैं 9.3 सेंटीमीटर मानेंगे। और उसके बाद क्या कहता है, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देने के लिए, जब हम 9.3 सेंटीमीटर में 9.3 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा हो गया 10.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, लाइन ड्रा करना था 9.3 सेंटीमीटर, हमने कर दिया। और उसके बाद 1 सेंटीमीटर ऐड करना था, 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, जो क्या हो गया 10.3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद स्टेप टू क्या कहता है, बाइसेक्ट लाइन ऑफ 10.3 सेंटीमीटर। 10.3 सेंटीमीटर को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। कहां से करना है, जीरो से करना है, ठीक है। तो इसको लाइन का हम लोग पॉइंट का नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। हम लोग को बाइसेक्ट करना है, किसको करना है, ए से सी को, मतलब 10.3 सेंटीमीटर को, लाइन को हम लोग क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करते तो आप लोग को आता है ना कंपास से, क्या कीजिएगा, कंपास की नीडल को यहाँ रखिएगा और हाफ से बड़ा लाइन लीजिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना आता है ना, हाफ से बड़ा लाइन लीजिएगा, एक आर्क यहाँ कटेगा, एक आर्क नीचे काट लीजिएगा, ठीक है। फिर आप कंपास की नीडल को यहाँ रखिएगा, ठीक है, और हाफ से बड़ा लाइन लेना है, इस हाफ से बड़ा उसको मेजरमेंट कर लेना कंपास को। फिर उसका आर्क काटना, एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा, फिर जो कटेगा ना आप लोग उसको मिला दीजिएगा, ठीक है, वो दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा। जहां पर ये पॉइंट कट होगा ना, जहां पर ये लाइन जो है, इस लाइन को कट करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। तो इसका बाइसेक्टर हम लोग निकाल लिया, ठीक है। तो इसके तो इसको बाइसेक्ट हमने कर लिया, ठीक है, तो इसको 10.3 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट कर लिया। अब बाइसेक्ट करने के बाद तो हमारे शेप टू क्लियर हो गया, बाइसेक्ट कर लिया। अब हमको क्या कहते हैं स्टेप थ्री में, ड्राई सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल ड्रा करना है। सेमी सर्किल हम जानते हैं कि हाफ सर्किल ड्रा करना है, विद द सेंटर ऑफ द बाइसेक्टर 10.3 सेंटीमीटर। इसको 10.3 सेंटीमीटर का जो बाइसेक्टर है ना, उसको सेंटर मान के, तो 10.3 सेंटीमीटर का जो बाइसेक्टर कौन है, ये है ना 10.3 सेंटीमीटर का बाइसेक्टर, ये इसको सेंटर मान के क्या करना है, एक सेमी सर्किल ड्रा करना है। तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा, कंपास का नीडल यहाँ रखिएगा और पेन को आप लोग को या पेंसिल को यहाँ रखना है, यहाँ से आप लोग कंपास को लीजिएगा, इस तरह से आप लोग सेमी सर्किल ड्रा कीजिएगा, जो क्या हो जाएगा आप लोग का एक सेमी सर्किल ड्रा होगा, जिसका सेंटर क्या होगा, ये 10.3 सेंटीमीटर क्या होगा, बाइसेक्टर जो है उसका सेंटर होगा। यहाँ से हम लोग सेमी सर्किल ड्रा कर लेंगे, ये हो गया हमारे स्टेप थ्री क्लियर हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में क्या कहता है, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम एट द पॉइंट 9.3 सेंटीमीटर। कहता है कि 9.3 सेंटीमीटर जो है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। तो यहाँ 9.3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना आप लोग को आता है, कंपास से भी कर सकते हैं इस तरह से मेजरमेंट करके, नहीं तो आप लोग प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग को 9.3 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो गया, स्टेप 4 हमारे क्लियर, ठीक है। तो स्टेप फाइव हमारा क्या कहता है, स्टेप 5 में ड्रा एन आर्क विद द लेंथ ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। ये जो हमने 9.3 सेंटीमीटर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया ना, इसका लेंथ कितना हो जाता है, ये लेंथ हो जाता है रूट
9.3 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ जाता है, ठीक है। इसका लेंथ कितना आता है, रूट 9.3 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ड्रा एन आर्क विद द लेंथ ऑफ रूट 9.3 सेंटीमीटर। तो रूट 9.3 सेंटीमीटर का जो लेंथ है ना, उससे हम लोग को कहता है एक आर्क ड्रा करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपास की नीडल को यहाँ रखिएगा और पेंसिल को यहाँ रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से एक आर्क बने, कंपास की नीडल हमारा यहाँ हो जाएगा और पेंसिल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक आर्क बनेगा इस तरफ, ये हमारा जहाँ कटेगा ना वो हमारा हो जाएगा रूट 9.3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो रूट 9.3 की जगह पे अगर देता रूट 5.2, रूट 3.2, रूट 6.7, तो आप लोगों को क्या करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है। बस जहां 9.3 लिख दिया है ना, वहां आप लोग को जिसको शो करने के लिए कहेगा, मान लिया 6.2 शो करने के लिए कहेगा, तो उस जगह पे आप लोगों को क्या करना है, 6.2 रख देना है, ठीक है। और एड 1 कर रहा है तो एड 1 कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.2, तो 7.2 हो जाएगा। बस इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, जहाँ 9.3 है वहाँ आपको 6.2 रख करके सॉल्व कर लेना। 7.2 कह देगा तो वहाँ 9.3 है वहाँ आपको 7.2 रख के सॉल्व कर लेना। 28.5 कह देगा तो जहाँ आप लोग 9.3 है वहाँ आप लोग 8.5 रख के सॉल्व कर लेगा। तो इस स्टेप से जहाँ जितने भी पॉइंट वाले है ना, नंबर लाइन और रूट नंबर लाइन आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को हम लोग को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर में है। देखते हैं चारों का डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सब इरेशनल नंबर में दिया हुआ, ठीक है। सबको क्या करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। रेशनल नंबर में चेंज करने को ही हम लोग कहते हैं रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहता है रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में है, उसको रेशनल नंबर में हम लोग को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले नंबर में 1/√7, तो 1/√7 को हम लोग रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1 नंबर में है 1/√7, यहाँ क्या करेंगे हम लोग रूट सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट सेवन से क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट सेवन से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जब रूट सेवन इंटू रूट सेवन क्या हो जाता है, जब दो सेम चीज आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर लग जाता है ना, तो रूट सेवन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा नीचे में रूट सेवन का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√7 क्या हो जाएगा, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो उतना ही रहता है, तो 1/√7 रूट सेवन ही रह जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि स्क्वायर जो है, रूट जो है स्क्वायर से क्या होता है, कट जाता है। तो ये रूट हमारा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा, रूट सेवन, और नीचे में क्या बचा, रूट हट गया तो क्या बचा, सेवन। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर हमारा आया, ये डिनोमिनेटर क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर में, ये रेशनल नंबर में है ना। यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में था, है ना, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में था, इसको हमने रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, मतलब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे 1/√2, 1/√9, 1/√3, 1/√6, इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसको रेशनलाइज करने के लिए कहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना नीचे में है उसी से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/√2 है तो 1/√2 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2/√2 हो जाएगा, और √2/√2 क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर जो है, रूट जो है स्क्वायर से क्या होता है, कट जाता है। तो कटने के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो √2 रह गया ना, और यहाँ क्या बचा, रूट तो हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बच गया। तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में था, इसको हमने रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो हमारा नंबर है √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, √6 से √6 से ऊपर नीचे √6 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/√7 - √6, यहाँ क्या था, सिंगल रूट था, यहाँ क्या है, माइनस में, तो माइनस में, तो माइनस के लिए रूल क्या होता है, चेंज हो जाता है। सिंगल के लिए रूल क्या था, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन जब यहाँ माइनस या प्लस में रहेगा तो इसके लिए रूल चेंज हो जाएगा। सिंपल रूल है, हम बताते हैं क्या होगा, देखिए आप लोग क्या होता है, 1/√7 - √6 है ना, तो 1/√7 - √6 से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/√7 - √6 करें। यहाँ पर लोग क्या करते थे, रूट सेवन था तो रूट सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ क्या माइनस में आ गया, दो टर्म रूट में है, माइनस में, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर ये माइनस में है ना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर √7 और √6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे। अगर यहाँ प्लस में रहता तो हम लोग यहाँ क्या लिखते, माइनस में लिखते, लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो हम लोग यहाँ क्या लिखा,
प्लस मिलेगा, तो ऊपर भी हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ऊपर में सेम नंबर से रूट सेवन प्लस सिक्स बाई रूट सेवन प्लस सिक्स, बिकॉज रूट सेवन माइनस सिक्स, क्योंकि रूट सेवन माइनस सिक्स था ना, तो हम लोग यहाँ रूट सेवन प्लस सिक्स बाई रूट सेवन प्लस सिक्स माइनस था, तो प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। अब हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ क्यों लिखते हैं, दोनों इसे लिखते हैं क्योंकि कटने के बाद हमारा वैल्यू क्या रहेगा, सेम रह जाएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ जाएगा। हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, वन से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग जाते हैं किसी भी नंबर को जो हम लोग वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू सेम रह जाता है। तो वन से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट सेवन प्लस सिक्स को, तो हमारा वैल्यू रह जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे में क्या देखते हैं, इसको हम लोग क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस डी के फॉर्म में है, हम लोग को याद है a माइनस बी इंटू ए प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ इसी फॉर्म में a माइनस बी इंटू ए प्लस डी के फॉर्म में है, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे कौन हो जाएगा रूट सेवन, और बी की जगह पे कौन हो जाएगा रूट सिक्स, यहाँ हो जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या बी स्क्वायर है ना, तो बी की जगह पे कौन हो जाएगा, यहाँ बी है ना, बी की जगह पे कौन हो जाएगा रूट सिक्स, तो यहाँ हो जाएगा रूट सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाई यहाँ हो जाएगा सेवन माइनस, यहाँ क्या बच गया रूट हट गया ना सिक्स से, सिक्स बच गया, यहाँ हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स बाई सेवन में से सिक्स जाएगा कितना बचेगा वन बचेगा, तो हम लोग नीचे वाले वन को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी देते हैं तो कोई गलत नहीं है। यहाँ क्या है हमारा क्या था डिनोमिनेटर क्या था इरेशनल नंबर में था ना, रूट में था, यहाँ हमने रूट से हटा दिया डिनोमिनेटर को, यहाँ क्या हो गया इरेशनल नंबर में था, और ये किस पे चेंज हो गया रेशनल नंबर में, तो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में हम लोग चेंज किया, इसलिए हम लोग इसको क्या किया रेशनलाइज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा जिसके नीचे में रहेगा प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा रूट में, तो हम लोग क्या करेंगे उसके निगेट उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, है ना, जैसे माइनस था क्या किया प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, और अगर प्लस है तो क्या करते हैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर टू हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का थ्री सॉल्व करेंगे, तो थ्री में हम लोग देखते हैं क्या है, थ्री में क्या है, यहाँ क्या था देखते हैं रूट सेवन माइनस रूट सिक्स था टू में, लेकिन थ्री में क्या है रूट फाइव प्लस टू, यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में, सेम चीज है ना, यहाँ सिर्फ माइनस में था यहाँ प्लस में, यहाँ यहाँ भी रूट था यहाँ भी रूट है, लेकिन यहाँ माइनस में था यहाँ क्या है प्लस में, हम बताया माइनस था तो हम लोग क्या किए प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, अब जब प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्वेश्चन हमने लिखे वन बाय रूट फाइव प्लस रूट टू, अब हम लोग क्या करेंगे रूट फाइव प्लस रूट टू, वहां क्या था माइनस था तो हम लोग क्या किए थे प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ क्या है प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बस सेम चीज लिखेंगे, लेकिन क्या लिख देंगे माइनस में लिख देंगे ना, प्लस तो किसमें लिखेंगे अपोजिट साइन माइनस में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू, माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, बस इसी को याद रखना है कि माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे, बाकी नंबर हमारा सेम रहेगा ना, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे वन से ये मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा सेम रह जाएगा, यहाँ क्या देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे कौन है रूट फाइव, तो रूट फाइव का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है ना, तो b की जगह पे कौन है रूट टू, यहाँ हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे रूट फाइव माइनस रूट टू लिख देते ऊपर में रूट फाइव माइनस रूट टू, ये तो आप अपने सॉल्व नहीं होगा ना, क्योंकि रूट क्या है डिफरेंट है भाई, यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, अब जब इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा फाइव बच गया ना माइनस, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया टू बच गया, अब हम लोग क्या लिखते हैं रूट फाइव माइनस रूट टू बाई फाइव में से टू जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा थ्री आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा क्या था इरेशनल नंबर में था ना, इसको हमने किस में चेंज कर दिया इरेशनल नंबर में, तो इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में चेंज किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेशनलाइज बोलते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग सोल्व कर सकते हैं, बस ध्यान ये देना है कि अगर प्लस में है तो माइनस से करेंगे और अगर माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब लोग इसी का क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, फोर में क्या है,
और मेरी सेम चीज है, बस यहाँ क्या रूट था ना, यहाँ रूट है, यहाँ रूट नहीं, इससे पहले वाले थ्री टू में क्या था, ये दोनों में रूट था, यहाँ क्या एक में रूट है और एक में रूट नहीं है, लेकिन सेम ट्रिक ही हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, वन बाय क्वेश्चन हमारा फोर, वन बाय रूट सेवन माइनस टू, ठीक है। यहाँ क्या देखते हैं, ये माइनस में है ना, तो हम लोग क्या क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, यहाँ माइनस में तो क्या चीज से करेंगे, प्लस से करेंगे, और बाकी जो हमारा नंबर है वो सेम रह जाएगा, तो रूट सेवन है तो रूट सेवन ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये टू है तो टू रह जाएगा, ऊपर में भी क्या हो जाएगा, रूट सेवन प्लस टू, क्योंकि सेम नंबर कटेगा तो वैल्यू हमारा वापस नहीं रह जाएगा। अगर हम लोग इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू सेम रह जाएगा, वन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो नहीं रह जाता है, तो रूट सेवन प्लस टू इंटू वन कितना हो जाएगा, रूट सेवन प्लस टू रह जाएगा। यहाँ देखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, जब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह पे कौन है, रूट सेवन, तो यहाँ हो जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, बी की जगह पे कौन है टू, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट सेवन प्लस टू रह जाएगा मेरा, ये एड होगा आपस में, सम होगा, नहीं होगा क्योंकि एक रूट में और एक विदाउट रूट में, एक इरेशनल और एक क्या रेशनल, आपस में दोनों एड नहीं होता है, और यहाँ स्क्वायर जो ये रूट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और यहाँ रूट है नहीं है, तो यहाँ टू का स्क्वायर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करता है तो यहाँ क्या बच गया, रूट हट गया तो सेवन रह गया, यहाँ माइनस और यहाँ टू का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, फोर होता है, तो फोर लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ऐड तो नहीं होगा, ये दोनों को ऐसे ही लिख देंगे, रूट सेवन प्लस टू ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ सेवन माइनस फोर सॉल्व हो जाएगा, सेवन में से फोर जाएगा कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग का डिनोमिनेटर थ्री आ गया। यहाँ क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर हमारा क्या था, इरेशनल में था ना, इसको हमने कितने चेंज कर दिया, रेशनल नंबर, थ्री हमारा क्या रेशनल नंबर है ना, और ये रूट में है तो यही रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हमने रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, जिस तरह से हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज, क्योंकि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करना ही रेशनलाइज है। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.5 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पांच क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगर इस सॉल्यूशन में आप लोगों कहीं पे कुछ डॉट है या कुछ ऐसा है जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बात बोले, हम उस डॉट को आप लोगों को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अजीजिया क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।